हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आज आई हूँ आप सभी के लिए एक और जबरदस्त जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है IMU की तरफ से असिस्टेंट की न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। सबसे पहले जानते हैं कि IMU होता क्या है। देखिए, IMU मतलब इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी। तो ये एक यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर नॉन टीचिंग आपका पोस्ट है, जैसे कि असिस्टेंट एंड असिस्टेंट फाइनेंस, दो तरह के पोस्ट पे वैकेंसी निकल के आई है। फ्रेंड्स, ये होती है आपकी ग्रुप सी की पोस्ट। और देखिए, इसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो दो तरह के हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, असिस्टेंट का ही दो पोस्ट है, एक सिंपल नॉर्मल असिस्टेंट और एक है असिस्टेंट फाइनेंस। ये जो आपका इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर असिस्टेंट की पोस्ट यानी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आउट हो चुकी है। तो आगे बात करेंगे इससे रिलेटेड फुल डिटेल्स के ऊपर। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना या फिर एग्जाम सिलेबस देखना चाहते हैं, पैटर्न अच्छे से समझना चाहते हैं, तो दोनों ही तरह की चीजें आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो जाइए वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए जो अप्लाई करने की डेट है 9 अगस्त से 30 अगस्त, मतलब 9 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अंतिम तिथि आपकी 30 अगस्त यानी 30 अगस्त रहने वाला है। बट यू डोंट हैव टू वेट फॉर 30 अगस्त। जैसे ही आपका समय मिलता है, जैसा कि अभी फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, तो जल्द से जल्द आप अप्लाई कर देना। चलिए, अब इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर बात चल रही है, तो अभी मैं आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ कि आपका जो पेपर होगा ना, किस डेट को होगा। नोटिफिकेशन में साफ साफ बता दिया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है 15 सितंबर, यानी कि 15 सितंबर को आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। और हाँ, ये इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना, बहुत फास्ट होता है। तो जैसा कि सितंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, तो उसके जस्ट 3 महीने के बाद यानी दिसंबर टू जनवरी में आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस है। तो आगे बाकी सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ समझेंगे, फिलहाल देख लेते हैं कि फॉर्म की फी क्या रहेगी। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से 1000 यानी 1000 रुपया, एससीएसटी कैंडिडेट से 700 यानी 700 रुपया लिया जाएगा। तो ये फॉर्म की चार्ज है। अब देखेंगे कि एज की क्या लिमिट है, क्या आपका रिक्वायर्ड रहेगा एज। बट सबसे पहले जानेंगे कि कट ऑफ डेट क्या रहेगा एज के लिए। एज ऑन 1 अगस्त 2024 यानी कि 1 अगस्त 2024 आपका कट ऑफ डेट है, जिसके अकॉर्डिंग 18 to 35 years यानी 18 से 35 वर्ष के सभी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। साथ ही एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है, ओबीसी को 3 years का और एससीएसटी को मिलता है 5 years का। तो ये उम्र में आपको छूट भी दी जा रही है। अब बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि व्हाट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन देखिए फ्रेंड, सिंपली आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है, डजंट मैटर कि आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, तीनों में से कोई भी स्ट्रीम है, तो आप असिस्टेंट की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि असिस्टेंट फाइनेंस के लिए आप अप्लाई करें, तो उसके लिए आपके पास कॉमर्स का या फिर स्टैटिस्टिक का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो दोनों में से कुछ भी है, सिंपल अगर आपने कॉमर्स कर रखा है ग्रेजुएशन, या फिर उससे रिलेटेड अकाउंटिंग वगैरह का नॉलेज है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी आप अच्छे से देखोगे, नोटिफिकेशन में पढ़ोगे दोनों पोस्ट का क्या है, तभी आप अप्लाई करोगे, ठीक है। अब बता दूं आपको कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। ये वाला पोर्शन हम लोग बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन की प्रोसेस बहुत सिंपल है, सिंगल स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। जी हाँ, ऑनलाइन CRT यानी कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट यानी ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पर ही यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। और उसके बाद ज्वाइनिंग के वक्त सिंपल सा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, फिर आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। तो सिंगल स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस को अभी एग्जाम पैटर्न को हम इन डिटेल समझ लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, आपका ऑनलाइन पेपर होता है 120 क्वेश्चन का, 120 मार्क्स के लिए, और समय भी 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स का आपका टाइम रहेगा। और देखिए, 120 क्वेश्चन 120 नंबर के लिए और 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/4 मतलब 0.25 की।
अब इसको है ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेक्शनल टाइमिंग भी होगी। तो चलिए मैं बता देती हूँ पार्ट वन एंड पार्ट टू दोनों के बारे में। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, अब यहाँ पे पार्ट वन टू देखेंगे तो उनका कंसर्न ये हो जाता है कि क्या सेम ही डे एग्जाम होगा। ऊपर मैं आपको पहले ही मैं बता देती हूँ कि देखिए समय टोटल 2 घंटे का है, सेक्शनल टाइमिंग है, तो इसको थोड़ा आप लोग समझा करिए। देखिए पार्ट वन जो होता है ना 30 मिनट यानी आधे घंटे का होता है, जिसमें आपको जनरल इंग्लिश से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और पार्ट टू जो रहेगा उसमें आपका क्या रहेगा 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का ये हो जाएगा और आधे घंटे का ये, टोटल मिला के 2 घंटा सेम डे एग्जाम होगा। अब पार्ट टू में आपको जनरल मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, जनरल नॉलेज यानी सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे, और आपका एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल एग्जाम पैटर्न है, टोटल 2 आवर्स का, 120 क्वेश्चन फॉर 120 मार्क्स। तो एग्जाम का जो ये पैटर्न मैंने बताया है ये असिस्टेंट की पोस्ट के लिए बताया है, लेकिन अगर आप असिस्टेंट फाइनेंस का तैयारी कर रहे हैं तो उसके फाइनेंस के लिए आप इलिजिबल है ना, तो उसके एग्जाम में क्या होगा जनरल इंग्लिश पूछेगा। लेकिन पार्ट टू में ना जैसे यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, तो वहाँ पर आपको अकाउंट से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसका जो एग्जाम पैटर्न है आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप स्क्रीन शॉट लेके देख सकते हैं, या फिर नोटिफिकेशन अपलोडेड है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब जैसा कि देख सकते हैं इसका खुद नोटी, आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो इतना भास्ट है, तो दोनों एग्जाम पैटर्न इस पे बताना पॉसिबल नहीं था, इसलिए स्क्रीन पर से ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब ये जो एग्जाम है इसका सेंटर कहाँ रहेगा ये हम लोग समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम का जो सेंटर है ना इंडिया के 12 बड़े शहरों के अंदर दिया गया है। देखिए न्यू दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, कोचिन, बेंगलोर, मुंबई, भोपाल और जयपुर, ये चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगी। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंसर्न होता है, तो होता क्या है ना कि मैं अलग अलग वीडियोस बनाती हूँ, रोज़ नहीं बनाती हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हर चीज़, अब मतलब जो नॉर्मल है एसएससी रेलवे उससे रिलेटेड तो सारी चीज़ें पता होती है, बैंक वगैरह का, पर ये सब कुछ अलग वैकेंसी हो जाती है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं बार बार बता नहीं पाती हूँ। इसलिए आप यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम सेंटर आपको टोटल ये 12 बड़े शहरों के अंदर रहेगा और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब बात करें कि टोटल पोस्ट क्या आया है, तो टोटल पोस्ट है आपका 27, 15 आपका इस असिस्टेंट के लिए है और 12 असिस्टेंट फाइनेंस के लिए है, तो टोटल मिला के आपका 27 पोस्ट हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ तक तो हमने जाना कि एग्जाम का क्या पैटर्न है, सेंटर कहाँ पे रहेगा, अब जानेंगे कि मेरिट आपका कैसे बनेगा। सिंपल सा बात है यार, ऑनलाइन एग्जाम होगा तो उसी के बेसिस पर ना आपका मेरिट यहाँ पर डिसाइड होगा। आउट ऑफ 120 मार्क्स आपका मेरिट सिलेक्शन आपका कट ऑफ बनेगा और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो फिर जब आप जॉब करोगे तो जॉब की लोकेशन क्या होगी, चलिए मैं बता देती हूँ। हेडक्वार्टर जो है आपका IMU का चेन्नई में, उसमें भी वैकेंसी निकल के आई है, और अदर जो कैंपसेस है जैसे कि कोची में है, मुंबई, कोलकाता, YJ चेन्नई, तो इन सारे जगहों पे आपको जॉब करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी IMU के अंदर असिस्टेंट के पोस्ट के ऊपर। अब जब जॉब करोगे तो सैलरी क्या मिलेगी, फ्रेंड्स देखिए इसमें सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। जब आप ज्वाइन करते हो ना तो स्टार्टिंग में आपको 46 से लेके 50 हज़ार के बीच सैलरी मिलती है, बाद में इस सैलरी को बढ़ा के ना 1,50,000 यानी 1.5 लाख के अप्रोक्स आपको सैलरी दी जाती है। सो आई होप कि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, तो आप इसका लाभ भी उठाएंगे। आई होप कि सारे डाउट्स एंड कंसर्न अब आपके क्लियर हो गए होंगे। अब भी कुछ पूछना है तो बेझिझक कमेंट करिए और वहां पर अपने डाउट को सॉल्व कर लीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते जाना है, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।